कराता वो लाइन बंद होगी जी, लाइन बंद होगी जी। एसपी साहब खंबे कले कोल आ दो खड़े ने इन्होंने तारा ने जी पिछों सारी लाइन खत्म करती, रेलवे लाइन तो अगली लाइन सारी खत्म करती, आ दो पोल खड़े ने आ दो गलियां उन्होंने बड़ी परेशान है। हाँ जी वैसे ही खड़े हैं परेशान, गली साफ हो जाएगी, नंगा टप्पा सब आ जाएगा। वैसे ही करना चार खंभे रिमूव करने तो कहो तो असं करवा दें जी, कुछ टाइम ना कवे तो देखो अच्छी गल है जे सरकार कोई चंगे काम करन वास्ते कोई कुछ कर रही है तो उम्मीद करते हैं चलो वधिया होएगा। अज मेरे साडे वार्ड दे विच वार्ड नंबर 9 दे विच बीबा बलजीत कौर जी मानजो कैबिनेट मंत्री पंजाब वो इतने पहुँचे सीगे, साडे महल्ले दीआं बहुत वड्डियां वड्डियां समस्यावां सीगियां और जिहड़ियां मैं समझदे होए पीड़ा नूं लोकां दी वो एक मैमोरेंडम दे तौर ते मंग पत्र दे तौर ते मैडम जी नूं मिलिया और उन्हां नूं जी आयां वी आख्या कि इस वार्ड दे विच साडियां समस्यावां सुनन दे लई ओह पहुँचे ने। उन्हां नूं मैं मंग पत्र दित्ता जो मुख समस्यावां ने साडे सीवरेज दीआं, पानी दीआं, बिजली दीआं और जिहड़ा गऊशाला एरिया हैगा और महावीर एरिया है इहदे विच बिजली दी बड़ी वड्डी समस्या पिछले कई समय तो चल रही सीगी। वो बिजली की समस्या बारे पिछे 6 महीने पहला एक एसटीमेट बने से 3-4 ट्रांसफार्मर के, वह बीबा जी कहना सीगा कि वो ट्रांसफार्मर लगाए जाए ता जो इतने बिजली तो राहत मिल सके लोगों को। एक साढ़े सीवर की समस्या सी डाट लाइन बिरला रोड तो सफाई नहीं हो रही और जिद कैंप एरिया और महावीर नगरी गऊशाला एरिया अपने कबीर संत संत कबीर एरिया और जी इंदिरा बस्ती है उत्थे सारी ये वड्डी प्रॉब्लम बनी हुई है। वो बारे मैडम जी ने बेनती की कि वो बिरला रोड की सफाई कराई जाए और एक जो नाल टपदा नाला है वो बंद ना किया जाए क्योंकि जो सीवरेज बंद हो जाता तो बड़ी वड्डी समस्या बन जाती है, गलियों के पानी रुकता है। इस करके मैडम जी ने बेनती की है कि जिहड़ा सीवरेज के नाल नाला जा रहा बिरला रोड से वो किसी भी हालत बंद ना किया जाए क्योंकि उस नाल ही साडे इस मसले नूं सीवर वाले नूं कोई राहत मिल जाती है। और एक पानी की समस्या कि पानी की टैंकी की इधर बहुत वड्डी जरूरत है क्योंकि पानी इधर जो एक दिन छड़ के वाटरवर्क्स वाले छड़दे ने तो इस इलाकों पानी नहीं पहुँचता, गर्मी च लोग प्यासे त्यासे रह जाते हैं। तो बेनती की है कि पानी का वड्डा टैंक बना के इधर की सप्लाई इधर ही शुरू की जाए ता जो लोगों को राहत मिल सके। और कुछ गलियां ने जिहड़ियां कच्चियां रह गई सी पिछले समय के जो असी ये बनवाइया सी उहदे विचों 3-4 गलियां रह गई सी, कुछ इत्थे मकानां दी तादाद वध रही है, डिवेलपमेंट हो रही है तो वो नाल नाल घरां दी डिवेलपमेंट दे नाल गलियां दी डिवेलपमेंट दी भी जरूरत है, जिते सीवर पानी दी जरूरत है वह भी सारा लिख के मैडम जी नूं दित्ता और उन्हां नूं असीं जी आयां कहिंदे आस्ते उम्मीद भी करदा मैडम जी साडी गल जिहड़ी है उन्हां कोल असीं रखी है उस नूं साडी उम्मीद ते खरा भी उतरनगे और उन्हां नूं पूरा भी करनगे, यही आस उम्मीद है साडी जी। जी नशे की जिहड़ी गल है, नशा लुक छुप के चल रहा है, रुकिया नहीं है, प्रशासन नूं सब पता है, प्रशासन की सानूं लोड़ है। मैं कल्ला आदमी जाके किसी नशे वाले नूं नहीं रोक सकता, तुसीं भी समझदे हो और वार वार महल्ले वाले असीं शिकायतां करदे रहिंदे आ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੁੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੇਚਦਾ, ਆਹ ਇਹਦੀ ਗਲੀ ਹੈ, ਆਹ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲਾ, ਆਹ ਇਹਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਵੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਜੇ ਗੌਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਿੰਟ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੱਸਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਛੱਡੇ ਨਾ ਬਸ ਆਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।